कांग्रेस पार्टी ने आज पंजाब की कुछ सीटों पर और दिल्ली की अपनी तीनों सीटों पर टिकट की घोषणा कर दी और दिल्ली के जिस टिकट ने सबका ध्यान खींचा वो है नॉर्थ ईस्ट दिल्ली। भाजपा के 7 सांसद में से सिर्फ एक सांसद अपना टिकट बचाने में कामयाब रहे थे और वो थे मनोज तिवारी। मनोज तिवारी ने पिछला चुनाव दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित जी को हरा कर जीता था और ये मार्जिन उनका 3.5 लाख से ज़्यादा था और यही कारण है कि उनका टिकट इस बार बच सका। लेकिन 3.5 लाख का मार्जिन होने के बाद भी ऐसा माना जा रहा है कि ये चुनाव जीतना उनका थोड़ा मुश्किल है, यूं कह लीजिए उनका चुनाव फंसा हुआ है। और अब कांग्रेस पार्टी ने बेहद मजबूत प्रत्याशी कन्हैया कुमार को मनोज तिवारी के सामने उतार दिया है। कन्हैया कुमार एक कमाल के वक्ता है, वो पहले लेफ्ट पार्टी में थे, वो चर्चाओं में आए थे जब वो JNU के प्रेसिडेंट थे, उसके बाद उन्होंने बिहार में लोकसभा चुनाव लड़ा गिरिराज सिंह के सामने, हालांकि वो चुनाव हार गए। और अब जिस सीट से वो पिछली बार चुनाव लड़े थे वो सीट नहीं मिली, बेगूसराय वो सीट थी, बेगूसराय सीट नहीं मिली कांग्रेस को और उनको अब नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से चुनाव लड़ाया जा रहा है। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में उनकी अच्छी वोट है कांग्रेस की, लेकिन एक बात ध्यान रखने वाली है कि पिछली बार 53% वोट आए थे मनोज तिवारी को, तो अगर आप और कांग्रेस की वोट भी जोड़ दें तो भी कांग्रेस ये चुनाव नहीं जीत रही है। लेकिन एक बात ध्यान रखने वाली है, दिल्ली में हर चुनाव अलग होता है और जिस तरह से 2009 में यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी 2.5 लाख से ज़्यादा के मार्जिन से जीते थे, उसी तरह अब 2019 से 2024 में हवा बदलते देर नहीं लगती। दिल्ली में जो चुनाव होते हैं वो क्लोज मार्जिन पे नहीं जाते, कोई भी जीते बड़े मार्जिन से जीतता है और 2-3 लाख का मार्जिन रहता ही है, कम से कम पिछले 2 लोकसभा चुनावों में तो ऐसा ही हुआ। अब देखने वाली बात होगी कन्हैया कुमार इस मार्जिन को कितना कम कर पाएंगे और क्या कम करके वो इस चुनाव को जीत भी पाएंगे, क्योंकि वो एक अच्छे वक्ता हैं और जो राजनीति में अच्छा वक्ता हो उसका चुनाव जीतने की उम्मीदें भी ज़्यादा बढ़ जाती हैं। ऐसे में कन्हैया कुमार पूरी कोशिश करेंगे, उनके पास अभी कैंपेन का भी 1 महीने से ज़्यादा का वक्त है और वो पूरी कोशिश करेंगे कि वो किसी भी तरह इस चुनाव को जीते। तो चलिए दोस्तों, मैं राहुल दहिया, फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही, आगे भी इसी तरह की वीडियोस के लिए बने रहिए मेरे साथ। धन्यवाद।